नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर साहिल पटेल, कंसल्टेंट होम्योपैथ। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं एक डर्मेटोलॉजिकल कंडीशन के बारे में। इसका नाम है मिलेरिया। मिलेरिया क्या होता है? ये जो एक कॉमनली हम इसको जानते हैं हीट रैश, स्वेट रैश के नाम से, ये एक स्किन कंडीशन है जहाँ पर छोटे छोटे इजी रैशेस प्रेजेंट होते हैं, जहाँ पर खुजली बहुत आती है। और ये क्यों आती है? क्योंकि स्वेट ग्लैंड्स जो होती है या तो फिर डक्ट्स होते हैं, वहाँ पर क्लॉगिंग हो जाता है उसकी वजह से। और ये मोस्टली हम देखते हैं समर कंडीशंस में या तो फिर ह्यूमिड कंडीशंस में। हम अगर देखेंगे तो ये ट्रॉपिकल रीजन्स में प्रेजेंट होता है, साथ ही साथ समर में प्रेजेंट होता है। इंडिया में हम ये बहुत देखते हैं, एस्पेशली चिल्ड्रन या तो फिर इन्फेंट्स के अंदर। क्यों? क्योंकि उनकी जो स्वेट ग्लैंड्स होती है वो ज़्यादा डेवलप नहीं होती है। अगर इसके टिपिकल सिम्टम्स या साइंस अगर हम देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि स्मॉल एकदम रेड कलर के रैशेज प्रेजेंट होंगे, पेप्यूल्स बोलते हैं इसको, जो बहुत ही इरिटेटिव होते हैं या तो फिर ईची होते हैं, बहुत खुजली आती रहती है वहाँ पर। और पेशेंट का जो होता है यहाँ बॉडी के कौन से पोर्शन पे ज़्यादा होता है तो देखते हैं, तो फिर चेस्ट, नेक, एल्बो, फिर ब्रेस्ट रीजन के अंदर, स्क्रॉटम के अंदर, या तो फिर स्किन के फोल्ड्स के पास, ये सारी जगहों पर ज़्यादा होता है। इन जनरल इंडिया में देखें तो फिर बैक, चेस्ट, स्टमक, ये सारी जगहों पर ज़्यादा रहता है। और कई बार ये क्या होता है कि ये जो कंडीशन है वो हेयर फॉलिकल्स के साथ भी एक प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है, जिसका नाम है फॉलिकुलाइटिस, इन्फ्लामेशन की वजह से। और इसके जो सिम्टम्स जो होते हैं वो कई बार शिंगल्स के साथ हम लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, क्योंकि शिंगल्स जो होते हैं उसके अंदर भी रैश लाइक अपीयरेंस या पेप्यूलर अपीयरेंस प्रेजेंट होता है। लेकिन डिफरेंस क्या है, शिंगल्स जो होते हैं वो वन साइडेड ऑफ बॉडी होते हैं, और ये जो रैश लाइक, ये अपना जो मिलेरिया है वो बायलेटरली होगा या फिर सारी जगह पर प्रेजेंट होगा। साथ ही साथ इसके टाइप्स देखते हैं, तो टाइप्स क्या होगे इसके? स्वेट ग्लैंड्स जो होती है वो ऑब्स्ट्रक्ट हो जाती है कौन सी चीज़ों की वजह से? फर्स्ट जो है इसका कंडीशन है वो है मिलेरिया क्रिस्टलिन। ये मोस्ट कॉमन या मोस्ट सुपरफिशियल ऑब्स्ट्रक्शन प्रेजेंट होता है जिसके अंदर रैश होती है प्रेजेंट को पेशेंट के अंदर। तो फिर मल्टीपल टाइनी ब्लिस्टर्स प्रेजेंट हो गए जिसके अंदर परस्पायरेशन होगा लेकिन कोई सिम्टम्स प्रेजेंट नहीं हो गए। सेकेंड इज मिलेरिया रूब्रा। ये जो है इसकी वजह से मेन लाइकली प्रॉब्लम्स होती है। इसका ऑब्स्ट्रक्शन इतना बड़ा होता है कि जिसकी वजह से स्वेट ग्लैंड्स जो है वो बराबर से लीकेज नहीं हो सकती है बाहर की तरफ, और जिसकी वजह से एपिडर्मिस की जो लेयर है वहाँ पर प्रॉब्लम होती है। तो अगर हम देखेंगे इसकी वजह से क्या क्या प्रॉब्लम होगी, तो एकदम ईचिंग प्रेजेंट होगी पेशेंट को, साथ ही साथ वो बोलेगा कि मुझे पिंस और नीडल्स जो है वो लग रही है, ऐसी सेंसेशन आ रही है। फिर कई बार क्या होगा कि हीट एग्जॉशन हो जाएगा क्योंकि जो भी है स्वेट अपने बॉडी का वो निकल नहीं रहा है, वो सारी कंडीशंस में होता है। साथ ही साथ दूसरे कौन से रीजंस होते हैं, तो मिलेरिया प्रोफुंडा, मिलेरिया पोस्टुलोसा, ये सारे भी होते हैं, और कई बार हाइपोहाइड्रोसिस भी होता है। इसकी पैथोफिजियोलॉजी की अगर हम बात करेंगे तो ये मिलेरिया जो होता है वो स्वेट ग्लैंड में अकर होता है जिसकी वजह से क्लॉगिंग हो जाती है, और जो भी डेड स्किन सेल्स है या तो फिर कोई भी बैक्टीरियल प्रेजेंटेशन होगा उसकी वजह से ये ज़्यादा देखा जाता है। तो ये जो भी स्वेट ग्लैंड्स जो होती है वो अटक जाती है जिसकी वजह से इरिटेशन, ईचिंग, रैश लाइक स्मॉल स्मॉल ब्लिस्टर्स, ये सारी चीज़ें हम ऑब्जर्व करते हैं। प्रिवेंशन की अगर हम बात करेंगे तो प्रिवेंशन में क्या होता है कि जो भी एक्टिविटीज़ होती है, जैसे कि जिनसे स्वेट ज़्यादा हो रहा है मोस्ट लाइकली वो देखना है, तो वो अवॉइड करना है। एक्सरसाइजेज, हैवी कार्डियोवास्कुलर एक्सरसाइजेज, ये सारी चीज़ें जो है अवॉइड करनी है। एयर कंडीशनिंग बराबर रखनी है, कूल एनवायरनमेंट में रहना है, लाइट क्लोथिंग पहननी है, और हॉट एंड ह्यूमिड वेदर को अवॉइड करना है। लेकिन एक्चुअली अगर हम ट्रॉपिकल रीजन में रह रहे हैं जैसे कि इंडियन समर्स में, तो हम लोग देखते हैं कि 40 से 44 डिग्री सेल्सियस का ये जो है वो तापमान रहता ही है। ये कंडीशन में क्या प्रॉब्लम हो रही है? इतनी सारी ह्यूमिडिटी, इतनी सारी हीट जो प्रेजेंट है उसकी वजह से कॉन्स्टेंट ये कंडीशन प्रेजेंट रहती है, और इसी की वजह से मिलेरिया फॉर्म होता है। अभी हम बात करते हैं मिलेरिया की ट्रीटमेंट के बारे में। मिलेरिया की ट्रीटमेंट जो होती है वो होम्योपैथी में बहुत सारी अच्छी अच्छी मेडिसिंस रहती है, उसमें से हम दो चार एक्सप्लेन करेंगे, और बहुत सारी अगर रेमेडीज है तो हम दूसरी बुक में से रिफ़र भी कर सकते हैं। तो टॉप नेचुरल होम्योपैथिक रेमेडीज़ की अगर हम बात करते हैं तो फर्स्ट इज़ सल्फ़र। हॉट वाली कंडीशन, समर वाली कंडीशन, जहाँ पर पेशेंट की कंडीशन में क्या होगा, पेशेंट बोलेगा सर हीट रैश हो गई है, साथ ही साथ ईचिंग और बर्निंग बहुत ही प्रेजेंट है, खुजली करता हो तो अच्छा लगता है, स्किन पे देखेंगे तो इरप्शंस प्रेजेंट हो सकते हैं, या तो फिर पिंपल जैसा होगा या तो फिर पस्चुलर प्रेजेंट होगा, स्क्रैचिंग जो होगा इरप्शन पे होगा तो पेशेंट को बेटर फील होगा,
कब बढ़ता है, तो पेशेंट ऐसा बोलता है कि इचिंग जो है, बर्निंग जो है वो इंटॉलरेबल हो जाती है रात के समय में। जैसे ही बेड पे सोते जाता हूँ या फिर मेरा जो बेटा है या बेटी है जैसे ही बेड पे जाता है तुरंत ही खुजली शुरू हो जाती है। क्यों? क्योंकि बेड की जो वार्मथ होती है उससे उसको तुरंत ही स्टार्ट हो जाता है। कई बार क्या होता है, पेशेंट के अंदर एवर्जन देखते हैं बाथिंग से। सल्फर पेशेंट जो होता है वो ऐसा बोलता है कि भले मैं वॉश करूँ या बाथिंग करूँ उससे भी मेरी इचिंग बढ़ जाती है। ये उसके एक वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम हम देख सकते हैं। दूसरे सिम्टम्स देखेंगे तो क्या होगा, पेशेंट बोलेगा कि हाथ के पंजे या तो फिर पैर के पंजे जो है वो एकदम से गर्म हो जाते हैं, जैसे कि एकदम हीट वहाँ से निकल रही हो बॉडी में से। तो ये थी सल्फर रेमेडी। नेक्स्ट रेमेडी एपिस मेलिफिका। एपिस मेलिफिका रेमेडी जो है वो बहुत ही अच्छी रेमेडी है हीट रैश, प्रिकलिंग सेंसेशन, स्टिंजिंग सेंसेशन के लिए। पेशेंट को क्या फील हो रहा है कि कुछ अंदर नीडल्स या ऐसा कुछ कूच रहा है या प्रिकलिंग सेंसेशन प्रेजेंट है। स्किन इरप्शन जो होगा वो बहुत ही सेंसिटिव होगा, टच से स्किन एकदम रेड हो गई होगी। पेशेंट को डिज़ायर होगी कि मैं कोल्ड वाटर से वो है वो वॉश कर दूँ या फिर अनकवर कर दूँ खुद को, क्योंकि बर्निंग सेंसेशन जो है वो बहुत ही मार्क्ड है। एपिस मेलिफिका जो है वो अर्टिकेरिया वाली कंडीशन में भी जाती है ये रेमेडी। तो ये सारी कंडीशंस में एपिस मेलिफिका जा सकती है, जहाँ पर पेशेंट को कोल्ड ओपन एयर से बहुत अच्छा लगता है या तो फिर रिलीफ मिलती है। नेक्स्ट रेमेडी है नेट्रामयूर। नेट्रामयूर के अंदर क्या होगा कि थोड़ा भी एक्जर्शन हुआ फिजिकल, तुरंत ही उसका हीट रैश डेवलप हो गया, और या तो फिर हीट रैश प्रेजेंट है, थोड़ा भी फिजिकल एक्टिविटी किया कुछ भी किया तो तुरंत ही प्रॉब्लम हो जाएगी। इसके अंदर हम अगर देखेंगे तो इचिंग, स्टिंजिंग, प्रिकलिंग सेंसेशन तो प्रोमिनेंट है ही, साथ ही साथ इसके अंदर हम देखेंगे तो सन से एग्रावेशन है। पेशेंट बोलेगा सर सन में बहुत घूमना हुआ, दोपहर को बहुत घूमना हुआ, तब से प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई। कई पेशेंट्स ऐसा बोलते हैं कि हम लोग जो है वो सी शोर पर गए थे, बीच पे घूमने के लिए गए थे और वहाँ से हमारी ये जो प्रॉब्लम है वो स्टार्ट हो गई है, तो हम क्या करना चाहिए हमें। तो वहाँ पर नेट्रामयूर वो बहुत ही अच्छी रेमेडी जाती है। इसके अंदर पेशेंट की कंडीशंस देखेंगे तो ईचिंग से पेशेंट को बेटर फील होता है, लेकिन उसको ओपन एयर में अच्छा लगता है, सन से एग्रावेशन है। नेट्रामयूर पेशेंट के अंदर हम देखेंगे तो फिर हाई क्रेविंग फॉर सॉल्टी फूड भी प्रेजेंट रहती है। ये सारी चीज़ें हम रूल आउट कर सकते हैं पेशेंट के मेंटल या तो फिर फिजिकल जनरल्स के बेस पर। नेक्स्ट रेमेडी है हेपारसल्फ। हेपारसल्फ मोस्ट लाइकली चिली रेमेडी है जो हीट वाली कंडीशन में नहीं आती, लेकिन कई बार जो क्लॉगिंग होती है वो ह्यूमिड कंडीशंस जहाँ पर एकदम कोल्ड वाली कंडीशंस होती है वहाँ पर भी हो सकती है, या तो फिर ऐसी कंडीशंस जहाँ पर एकदम ही हाइपर सेंसिटिविटी पस्टूल्स प्रेजेंट होते हैं, जहाँ पर बर्निंग स्टिंजिंग सेंसेशन तो होती ही है लेकिन थोड़ा भी टच, थोड़ी भी एयर पास हुई तो भी पेशेंट को प्रॉब्लम दे देती है। एक्सेसिव परस्पायरेशन भी इस पेशेंट के अंदर हम देखते हैं हेपारसल्फ के अंदर, हाइपर सेंसिटिविटी, ओवर सेंसिटिवनेस, ये सारी चीज़ों के साथ हीट रैश का क्लिनिकल प्रेजेंटेशन रहता है। नेक्स्ट रेमेडी है एकोनाइट या तो फिर कैमोमिला। ये दोनों रेमेडीज़ हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि इन्फेंट्स या तो चिल्ड्रन में हीट रैशेज मिलेरिया प्रेजेंट रहता है, तो ये कंडीशंस में हमें क्या करना है। तो बच्चे के अंदर हम देखेंगे तो एकदम रेड पिंपल्स प्रेजेंट हो गए नेक, चेस्ट या तो फिर बैक वाले रीजन के अंदर, इचिंग से बच्चे को अच्छा लग रहा है, ओपन एयर में अच्छा लग रहा है। चाइल्ड जो एकदम रेस्टलेस हो जाता है उसको ओपन एयर में ही चले जाना है, बेड में जाता है सोने के लिए या तो फिर वार्म रूम में जाता है तुरंत तकलीफ हो जाती है। चाइल्ड बोलता है कि मुझे बहुत ही पानी पीना है, बहुत ही ऐसे उसको थर्स्ट बढ़ जाती है, ये एकोनाइट के सिम्टम्स थे। नेक्स्ट कैमोमिला की अगर हम बात करें तो इसके अंदर भी जो हीट रैश होती है वो इचिंग जो है वो रात को बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। जो बच्चा होता है बहुत इरिटेटेड हो जाता है, पेरेंट्स को भी परेशान कर देता है, कहीं पे बैठता नहीं है, कहीं पे जाता नहीं है। साथ ही साथ ये चाइल्ड जो होता है वो उसकी डिज़ायर ऐसी दिखाता है कि जो उसके पेरेंट्स हैं उसको उठा के ही रखे, हमेशा कैरी करके रखे। तो एकोनाइट और कैमोमिला जो थी ये रेमेडी थी चिल्ड्रन या तो फिर इन्फेंट्स के लिए। तो ये थी शॉर्ट होम्योपैथिक रेमेडीज़, ये टॉप रेमेडीज़ है। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी रेमेडीज़ है जो टेंडेंसीज़ को भी रिमूव कर सकती है हीट रैश की, या तो फिर ऐसी रेमेडीज़ भी है जो इसके सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट के लिए भी हम दे सकते हैं। तो ये जो कंडीशन थी आज हमने डिस्कस की है वो है मिलेरिया और हीट रैश, राइट। अगर आपको ये होम्योपैथिक कंटेंट पसंद आया हो तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ये वीडियो को अपने होम्योपैथिक कलीग्स या फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, दूसरे पेशेंट्स के साथ शेयर कीजिए। अगर आपको ऑनलाइन कंसल्टेशन करना हो तो आप हमसे जुड़ सकते हैं, हमारे डिस्क्रिप्शन में फ़ोन नंबर दिया गया है। धन्यवाद।